नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक ने आज थाना कोतवाली का औचक निरीक्षण किया है और थाने पर खड़े दो पहिया, चार पहिया व अन्य वाहनों का नियमानुसार अभियान चलाकर निस्तारण करने के आदेश दिए हैं। साथ ही उन्होंने भी आदेश दिया है कि दाखिल शुदा सीज वाहनों को क्रमबद्ध तरीके से खड़ा किया जाए, थाना परिसर में पड़े मकान के मलबे को नियमानुसार हटाया जाए, थाने पर स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया जाए, मेष आवासीय परिसर एवं थाना परिसर में सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। प्रभारी निरीक्षक को निर्देशित किया गया कि थाने पर सरकारी वाहन की नियमित साफ सफाई हो, दंगा नियंत्रण उपकरण व लाउड हेलर वाहन में मौजूद रहे, थाना परिसर में स्थित फैमिली आवास के किनारे बनी नालियों की साफ सफाई सुनिश्चित की जाए। प्रभारी निरीक्षक को निर्देशित किया गया कि 48 घंटे के अंदर थाना परिसर में स्थित प्रत्येक कमरों में रहने वाले अधिकारी कर्मचारी के नाम, पदनाम, पीएनओ नंबर व उनकी वर्तमान तैनाती कहां कहां है के संबंध में विस्तृत सूचना उपलब्ध कराया जाए। निष्प्रयोज्य सरकारी संपत्ति को पुलिस लाइन भेजने के निर्देश के बावजूद थाना परिसर में निष्प्रयोज्य सरकारी संपत्ति पाई गई, जिसके संबंध में हेड मुहर्रिर को अर्दली रूम ओआर में उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया गया।